अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नेशनल एंटी करप्शन कमीशन यूं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यूं अपराध नियंत्रण परिषद द्वारा गोवा में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी दिए जाएंगे। नोएडा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि जनवरी 2023 को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय गौरव का सम्मान डॉक्टर गौरव सम्मान पृथ्वी रत्न अवार्ड, ग्लोबल पीस अवार्ड, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड, देश विदेश की जानी मानी हस्तियों का प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय गौरव का सम्मान नेशनल एंटी करप्शन कमीशन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, पत्रकारिता, पर्यावरण, कला, साहित्य, विज्ञान, प्रशासनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा, यूं खेल शामिल है। डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 31 दिसंबर 2022 को दिल्ली में, 21 जनवरी 2023 को गोवा में, 21 अगस्त 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में भी रखा गया है। नेशनल एंटी करप्शन कमीशन संस्थान देश विदेश में विभिन्न प्रकार के जागरूकता प्रोग्राम चला रही है। यह संगठन 2013 से मानव कल्याण के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोक कल्याण के बहुत सारे काम कर रही है, जो प्रकृति संरक्षण के साथ साथ मानव पशु पक्षी के अनुकूल सामाजिक समरसता को समाज का हिस्सा बनाने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका भी निभा रही है। डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि हम लोग अपने सदस्यों के साथ समाज को जोड़ते हुए कछुए की चाल से आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन हम भ्रष्टाचार व अपराध पर अंकुश लगाने में सक्षम होंगे और निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु यूं सोने की चिड़िया बन जाएगी। नोएडा से ब्यूरो चीफ अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। गौरव सम्मान मैंने दिया एमएस मिट्टा साहब को, आप लोग जानते होंगे उनको जिंदा शहीद बोला जाता है। दूसरा सम्मान हमने दिया था भारतीय संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए एमएस मारवा साहब को, मारवा जी को भी जानते होंगे आप, संदीप मारवा को, डॉक्टर संदीप मारवा को। इस तरह से अच्छे लोगों को भी दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे उनको लाया। ब्रजभूषण दुबे पत्रकारिता के रूप में यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैंने उनको गाजीपुर से बुला करके सम्मानित किया। और हर स्टेट से मैं 5 लोगों को दे रहा हूँ, जितने भी स्टेट हैं वहाँ से 5 लोगों को मुझे वर्ष में 2 बार यह सम्मान करना है, सम्मान समारोह रखना है 2 बार, जिसमें से 5 लोगों को मैंने रखा है, 5 लोगों को ही दिया जाएगा। शायद इस बार 2 लोग मिल जाएंगे स्टेट से, अगली बार 3 लोग मिल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। यही मेरा क्राइटेरिया है। हम प्रशस्ति पत्र देते हैं, मेडल हम प्रशस्ति पत्र देते हैं, मेडल देते हैं, और साथ साथ अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो अपने संगठन में उनको रख करके उनको सोशल सर्विस के लिए काम भी देते हैं, और उसके लिए हम लोग एक डोनेशन जो हमारे पास आता है उससे कुछ पैसे भी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे वो समाज के लिए बेहतर काम कर सके, समाज को बेहतर दिशा दे सके। ना पैसे नहीं देने पड़ते हैं, कोई पैसा क्या देगा। देखिए ऐसा नहीं होता है, कोई भी सामाजिक संगठन होगा वो डोनेशन से चलेगा, तो स्पॉन्सरशिप कहीं कहीं से आती है, ठीक है, लेकिन पैसा अवार्ड देने के लिए, अगर आप योग्य व्यक्ति हैं तो अवार्ड देने के लिए पैसा को देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। प्रेस वार्ता का रखने का उद्देश्य यह है कि हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा है उसमें जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं, जिनके विचारों से समाज में एक अनुकूल परिवर्तन आ सकता है, तो ऐसे लोगों को मैं लाना चाहता हूँ। दूसरा, जो योग्य व्यक्ति हैं, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सम्मान के योग्य हैं, उनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में सम्मिलित करना चाहते हैं, उनको सम्मानित करना चाहते हैं और उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों को और जो सम्मान लायक लोग हैं आप उन्हें कैसे चिन्हित कीजिएगा। हम चिन्हित करेंगे जब उनका हम पूरा बायोडाटा मंगाएंगे, उनके विषय में हम गहन अध्ययन करेंगे, उन्होंने क्या क्या किया, जो उन्होंने भेजा है मेरे पास बना करके उसमें सही काम किया है नहीं किया है, ये हमारी काउंसिल तय करेगी, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। आपकी टीम ऐसा कार्य कर रही है? हमारी टीम जो है पूरे भारत में और भारत के अलावा 26 देशों में काम कर रही है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स जो हैं वो यहाँ जा करके डोर टू डोर काम कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को अवार्ड दिया? हम लोगों ने पिछली बार 30-35 लोगों के अवार्ड दिए हैं, अभी हमारा सेकंड सेशन है। हमारे संस्था द्वारा मानवाधिकार के क्षेत्र में
लीगल अवेयरनेस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, लगभग सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में हम लोगों ने घर घर जाकर के राशन से पहुंचाने से लेकर के भोजन वितरण तक सारे काम किए हैं। और सारे आपको जो है अगर चाहेंगे तो फुटेज मैं दे सकता हूँ, अभी भी मेरे पास मोबाइल पड़े हुए हैं। और डेली हम लोग 25 से लेकर के सब पर हमारी टीम है जो काम करती है जाकर के। और भविष्य के लिए मैसेज यही देना चाहेंगे कि लोग अवेयर हों, अपने अधिकारों को जानें और मनुष्य मनुष्य का दुश्मन न बने। आज क्या है कि थोड़े से धन के लालच में हम दुश्मन हो गए हैं, तो पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते हैं। हमें दूसरे के दर्द में शामिल होना सीखे हम, और ये चाहे कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करें, क्योंकि अगर प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, तो आसपास की प्रकृति को हम बचाएं, यही मेरा संदेश है। सर, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें आपकी संस्था के बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल, क्या उन मजबूर लोगों के लिए आपकी संस्था ने कुछ ऐसा मतलब किया है कि आप वहां तक पहुंच के उनके दर्द को? और देखिए, 2013 से लेकर के 2022 तक का जो सफ़र रहा मेरा, इसमें हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि मजबूर लोगों के पास ही पहुँचें, ठीक है, और जा रहे हैं, कर रहे हैं और कछुआ के चाल से चल रहे हैं। धीरे 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 एक दिन हमारी विजय होगी, निश्चित रूप से विजय होगी। कितनी टीम ऐसी हैं आपकी जो इस काम में लगी हुई है? हमारी जो है हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में टीम है। साथ से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, उसके पहले मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से JRF हूँ और मैंने वहाँ 5 साल अध्यापन किया विश्वविद्यालय में। 2007 से UPSC के बच्चों को पढ़ाता हूँ, साथ साथ 50 बच्चों को हर साल मैं UPSC के बच्चों को 50 और 50 स्टेट PSC के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बच्चे ही देश के भविष्य हैं। अगर हम आज आप देखिए जो मोबाइल का दौर है, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल ने क्या कर दिया, बच्चों के भविष्य को ख़राब कर दिया। अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो मोबाइल से जो ऑनलाइन क्लासेज है, ऑनलाइन क्लासेज से किसी की शिक्षा नहीं मिल रही है, बल्कि बच्चा बर्बाद हो रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अगर योग्य शिक्षक है तो कहाँ है, सरकारी स्कूल में है। लेकिन आप कभी भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, क्यों? क्योंकि हमारा कादर गंदा हो जाएगा, स्टेटस सिंबल बन गया है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है बहुत योग्य टीचर नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन पूरी है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन हम प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। अब प्राइवेट स्कूल भेजते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, ये MMM का कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट स्कूल में जो हम भेजते हैं किसी को, वहाँ गया बच्चा, तो जाते ही सबसे पहले हो जाएगा कि उस विद्यालय में कैंटीन है, तो पहला ये मीन्स मनी, पॉकेट मनी चाहिए। जिसके घर के बच्चे जाते होंगे चाहे 10 रुपया ही दे, देना है कि दूसरा बच्चा भी खरीदता मुझे भी देना है, ठीक है। तीसरा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, आज सबके हाथ में मोबाइल, मोबाइल कंपलसरी हो गया है, हमने मोबाइल दे दिया, ठीक है। और जैसे बड़ा हुआ थोड़ा, तो लड़का है तो मोटरसाइकिल और लड़की है तो स्कूटी, उसको दिलवा दिए। अब इसी MMM जब बड़े हुए तो एक को बन गया, अगर लड़का है तो उसको गर्लफ्रेंड बन गई, और लड़के हैं तो बॉयफ्रेंड बन गया, तो बिजी हो गया उसी में। और ठीक है, 29 साल बाद पता चलता है, जब 29 साल की हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, तब पता चलता है मुझे नौकरी करनी है। आप देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ है, भारत में है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ, भारत में है। हमारे टैलेंट को बेचने के लिए मुझे दुबई जाना पड़ता है, हमारे टैलेंट को वो करने के लिए मुझे, तो काम कर रहे हैं ना हम। सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम ला रहे हैं, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। आज लीगल अवेयरनेस नहीं है, आज बच्चों के लिए अवेयरनेस नहीं है, आज आप अवेयर नहीं है, आप पत्रकार हैं, आपको काम पड़ता है, जाते हैं कि कहीं से कुछ ले दे के काम कर लें। हम अपने राइट्स नहीं जानते, जब तक हम राइट्स नहीं जानेंगे, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, तब तक हम अच्छे मुकाम को नहीं प्राप्त कर सकते। जी, चंडीगढ़ में रखूँगा, लखनऊ में रखूँगा, बनारस में रखूँगा, जा करके विभिन्न जगहों पर जाऊँगा, तभी तो लोग जानेंगे, इसलिए रखने का उद्देश्य मेरा ये था। क्राइटेरिया है कि जैसे हम आपकी प्रोफाइल मंगा लिए, अब हमारी एक बोर्ड है जिसमें वकील हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, वो लोग अपने क्राइटेरिया पर लेते हैं कि क्या आप मेरे जो सम्मान है उसके योग्य हैं। अगर आप अनुकूल हैं तो निश्चित रूप से हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको लाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पहचान उनको दिलवाते हैं।